जस्ट अभी थोड़ी देर पहले नमाज़ पढ़ के मैं फ्री होके बैठा हूँ। टी शर्ट वही है जो गीली थी, अभी तक गीली है, पंखा चल रहा, ठंडी लग रही थोड़ी बहुत। यहाँ पर स्टोरेज फुल हो गया था मेरे गोप्रो का, तो यहाँ पे स्टोरेज को थोड़ा खाली कर रहा हूँ उसके बाद में, क्योंकि और अगर मेरे को कुछ रिकॉर्ड करना है तो इसमें स्टोरेज होना चाहिए। सब फ्रेंड्स लोग तो चले गए बाहर पूल में, ये रूम पूरा अभी फ़िलहाल खाली पड़ा हुआ है। आपको पूरा ओवरऑल व्यू दिखाऊँगा पूरे फार्म हाउस का, और एक्सपेंस वगैरह आपको सब कुछ बताऊँगा इस ब्लॉग के एंड में। You don't see the things I see. I'll tell you things you won't believe. Above the skies, overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down. You get through the storm, even the night's the darkest before the dawn. It's the sound of soul in me, in me. Live your life, live your dream. Not easy from the start. There were days when I fell apart. Just keep following your heart. Keep that hope, cause it's hope that dies the last. To never give up, to never back down. I believe it's true. Every day the sun rises again for you. Dab, 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 dab.
वो धक्का मारा शाहिद, सबको धक्का मार रहा है। सो टाइम हो गए 5:10, गाड़ी में पेट्रोल भरा लिया गया, चलते आगे की तरफ। सो गाइस अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हाँ और बता दूँ मैं आपको, अगर रूम्स के जो फार्म हाउस गए थे उसके रेट के बारे में, तो फार्म हाउस का जो कॉस्टिंग था पर पर्सन 1300 रुपया था। उसी के अंदर चार रूम थे, चार रूम में प्राइवेट एक ही पूल था जो चारों में डिवाइड होना था। और 4 बजे चेक इन टाइम था और 4 बजे चेकआउट था नेक्स्ट डे। तो उसके अंदर इंक्लूडेड था रात का डिनर, अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और दोपहर का लंच और चाय, शाम की चाय। ये सारी चीज़ें थी इंक्लूडेड पर पर्सन 1300 रुपया। फार्म हाउस इतना खास नहीं बोलूँगा, हॉस्पिटैलिटी बराबर नहीं थी, वॉशरूम के अंदर भी थोड़ी गीज़र वगैरह भी नहीं था प्रॉपर, पूल भी इतना क्लीन नहीं था। ओवरऑल ये फार्म हाउस मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहो तो जाके आप इंजॉय कर सकते हो। वैसे पूल में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बाकी और कुछ भी खास नहीं लगा इस फार्म हाउस के बारे में। हाँ खाना ठीक था, खाना एक हद तक ठीक था, खाना खाने में भी अच्छा लगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन चालू है कमेंट कर सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे हमारे अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।